मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने विधानसभा क्षेत्र की नगर पंचायत बड़ौनी में 89 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किश्त प्रदान की। मिश्रा ने इस मौके पर कहा कि आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किश्त 89 लोगों को वितरित कर रहे हैं। जिन लोगों के अभी तक मकान नहीं बने हैं, वे इस योजना का लाभ लेकर मकान बनाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि हर गरीब के पास मकान हो और उसका मकान का सपना साकार हो सके। उन्होंने दतिया के भांडेर विधानसभा में होने वाली आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कुछ पार्टियां सिर्फ चुनाव के दौरान ही दिखती हैं और गरीबों को सपने दिखाकर उनके मतों का दुरुपयोग करती हैं। इसीलिए अब मतदाताओं को सावधानी की जरूरत है। ऐसे लोगों को भी हम पूरी बड़ौनी के अंदर धीरे धीरे करके मकान के लिए 2.5 लाख रुपया मंजूर करेंगे। हमारे पार्टी की और सरकार की मंशा बहुत साफ है। कोई भी गरीब बिना घर के नहीं रहेगा, ये स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। एक भी गरीब बिना घर के नहीं रहे, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो पैसा भेजा जा रहा है उस पैसे को मकान बनाने में उपयोग करें। कल 6 है, परसों 7 है। 7 तारीख को ऐसे सारे गरीबों को पात्रता पर्ची दी जाएगी जिनके राशन कार्ड है चाहे नहीं है। परसों 100 आ जाना और अपनी अपनी पात्रता पर्ची ले जाना। सबको 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक मिले। गरीब की थाली ना रहे खाली। बाकी के राजनीतिक पार्टियां 15 साल 15 महीना अभी आपने कांग्रेस की सरकार देखी, आपने कभी गरीब की बात करते नहीं मिली हो। हमें गाली देते तो मिल जाएंगे सबने कांग्रेसी, पर उनसे पूछो तुमने क्या करो तो जाकर जवाब दे तो भूल ही गए। अरे भाई तुम 15 महीने रहे, कई गांवों में बहुत अच्छे वोट मिले तुम्हें, तुमने उन गांवों के काटे काट, कई समाज के तुम्हें जहरा वोट मिले, तुमने उन समाज को काट। एक पार्टी तो ऐसी है बीएसपी, वो चुनाव पर ही आते, चुनाव खत्म तो पार्टी खत्म का क्या होगा है, उन्हें चिंता नहीं है। उन्हें चिंता नहीं है गरीब के थाली खाली है कि भरी है, उन्हें चिंता नहीं है कि गरीब के हैंडपंप है कि नहीं, थानेदार परेशान कर रहा है, तहसीलदार परेशान कर रहा है, फिर भी एसपी वाले नहीं देखते। 5 साल पूरे चुनाव आओ बोले अपन राज होएगा, अपन सरदार होंगे, अपन ही सब कुछ होंगे, लगाओ हाथी पे। सिर्फ ये काम करने वाली पार्टियां हैं कांग्रेस और बसपा, और हम लोग 15 साल से आपके बीच में है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।